कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि हम अयोध्या नहीं फैजाबाद आ रहे हैं, अयोध्या नाम से लोकसभा में कोई सीट नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा राहुल गांधी का बयान उनकी मूर्खता को दर्शाता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो उनकी मूर्खता को दर्शाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राम जन्मभूमि आंदोलनकारियों को हरा दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की लेकिन कुचल नहीं पाए। 6 दिसंबर को हम भी गए थे, हमने बाबरी ढांचा तोड़ा। उन्होंने आगे कहा जो राम का विरोध करता है हिंदुस्तान की जनता उसका विरोध करती है। देखिए राहुल गांधी ने एक मूर्खतापूर्ण जो है संबोधन करते हुए दिया है कि हमने राम जन्मभूमि आंदोलनकारियों को हरा दिया। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी तुम्हारी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, तुम्हारे पिताजी श्रीमान राजीव गांधी, इनने भी बार बार राम जन्मभूमि के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की लेकिन न राम भक्त उनसे डरे न राम भक्तों को वो कुचल पाए। तुम्हारे पिताजी के समय भी हमने डंके की चोट पर कहा था सरकार 100 बार चाहे जितने हथियार उठा ले, सरकार चाहे गोली लगा दे, हम भूमि पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि पर आकर भूमि पूजन किया और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 6 दिसंबर को हम भी गए थे, कार सेवकों ने बाबरी ढांचा तोड़ा और आज राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भव्य और विशाल दिव्य मंदिर में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। राहुल गांधी मुगालते में मत रहो, तुम्हारे पिताजी के पास 400 थे पर राम से टकराए तो 0 पर आकर खड़े हो गए और इसलिए ध्यान रखो राहुल गांधी 99 के फेर में जाकर बदतमीजी मत करो। राम से रावण से लेकर कांग्रेस तक जो जो टकराए हैं वो सब मारे गए हैं, कोई नहीं बचा। जो राम का विरोध करता है हिंदुस्तान की जनता उसका विरोध करती है। वही मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं के लिए विवादित बयान देना राहुल गांधी की आदत बन गया है। कभी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, कभी राम मंदिर बनाने का विरोध करना। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने राम मंदिर आंदोलन की आलोचना करके एक बार फिर हिंदू समाज और सनातन समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी अपनी हदें पार कर रहे हैं। हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये उनकी आदत है और अब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन जैसे शुद्ध हिंदुओं के आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की आलोचना करके फिर संपूर्ण हिंदू समाज और सनातन समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ये नेहरू परिवार की परिपाटी रही है, कभी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, कभी राम मंदिर बनने का विरोध करना, राम के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, राम मंदिर ना बन पाए इसके लिए प्रयास करना, जब राम मंदिर बन रहा है तो उसके कार्यक्रम का बहिष्कार करना, हिंदुओं को हिंसक कहना और अब राम मंदिर जैसे शुद्ध आंदोलन जिसमें अनेक लोग शहीद हुए क्योंकि राम इस देश की पहचान है, उस पर इस तरह से उस आंदोलन को लेकर ही प्रश्न चिन्ह लगाना ये कांग्रेस की, नेहरू परिवार की, राहुल गांधी की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।